दिस प्रोग्राम प्रेजेंटेड बाय हमदर्द रुअफ़ज़ा द ड्रिंक ऑफ इंडिया। अब खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी। जम्मू में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से कारकुनान मीटिंग मुनक्कित की गई। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर से पार्टी से जुड़े कारकुनान ने हिस्सा लिया। कारकुनान को हिदायत दी गई कि घर घर जाकर लोगों को लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में बेदार किया जाए। लोक जनशक्ति पार्टी के सदर रफीक मलिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी गरीबों की पार्टी है, ये पार्टी गरीबों की मदद करती है। इतने लोगों को प्रॉब्लम है, पहले लोगों को 20 किलो या 25 किलो राशन मिलता था, आज 3-4 किलो राशन मिल रहा है, लेकिन गरीब लोगों को नीचे लगाया जा रहा है। हम बोल रहे हैं अमीरों की आप बिल्डिंगें तोड़ रहे हो, अमीरों को लोगों की आप ज़मीनें ले रहे हो वापस, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, लेकिन गरीब लोगों के साथ भी थोड़ा सा हेल्प कर दो। हम यही हमारी मांग यही है कि ये गरीब लोगों की सुनवाई करो। जम्मू कश्मीर में जो बहुत ज़्यादा गुरबत ऐसी है, 80% जो गरीब लोग हैं इनकी तरफ कोई सुनाई नहीं दे रहा है। आज जो गरीब आदमी जो बिल्कुल गरीब होता जा रहा है, क्योंकि महंगाई आप देखो कहाँ पहुँच गई। अगर 3 रुपये किलो आटा मिलता था किसी टाइम, तो आज 30-40 रुपये किलो आटा मिल रहा है, तो गरीब आदमी की दिहाड़ी 500 थी, वो 500 ही रही है। अगर कोई और तो किसी के गरीब के घर में बर्तन मांजने साफ जाती है, उसका 1000-2000 था तो 2000 ही बना है, 4-5 हज़ार किसी को नहीं मिल रहा है, तो उसमें बिजली का बिल दे कहाँ से, अपने बच्चों फैमिली को कैसे पालेंगे वो। तो आज गरीब लोगों का जीना बहुत मुश्किल है। तो हम LG साहब से यही बोलते हैं कि थोड़ा जल्द से जल्द गरीब की तरफ ध्यान दो। हर एक की तरफ ध्यान देते हो, छोटे से छोटे काम पर आप बड़ा एक्शन लेते हो, तो आज गरीब लोगों के लिए थोड़ी सी एक राहत दे दो, इन लोगों को, गरीबों को, कि जो इनका पुराना बिजली का बिल माफ़ कर दो। कुछ हम चाहते हैं कि कुछ एरिया में जो सिलाई सेंटर होने चाहिए, और इनका राशन का, गरीब लोगों को राशन को इनका हक बनता था, आज राशन कौन सा कम हो गया, या खेती बाड़ी कम हो गई है, या कौन सा राशन हमारा जो इंडिया से बाहर जा रहा है। तो हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को थोड़ा राशन का भी थोड़ा सहूलत दी जाए। राशन जो मिलता था इनको, चीनी वगैरह मिलती थी, मिट्टी का तेल मिलता था, आज कोई चीज़ इनको जो सपोर्ट नहीं मिल रही है, हर आदमी गरीब परेशान है, मजबूर है। तो यही रिक्वेस्ट जाना चाहते हैं। पुंछ में स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मुहिम के तहत म्युनिसिपल काउंसिल की जानिब से एक मशाल रैली निकाली गई। म्युनिसिपल काउंसिल दफ्तर से लेकर परेड पार्क तक ये मशाल रैली निकाली गई। इस रैली की सदारत वाइस चेयरपर्सन अमीर शेख ने की और सफाई रखने का अहद लेकर लोगों में रैली के जरिए बेदारी फैलाने का काम किया। ये जो हमने आज स्वच्छ मशाल मार्च निकाली है, ये लोगों को मोटिवेट करने के लिए निकाली है। हमने इससे पहले भी बहुत ज़्यादा निकाली है स्वच्छता के लिए, तो ये हमारा मैसेज स्वच्छता के लिए है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। लोगों को जागरूक करने के लिए इस रैली के थ्रू हमने लोगों को जागरूक करने के लिए मोटिवेट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सफाई का ध्यान रखें। सफाई जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत मेन मकसद है, जिससे हमें स्वस्थ रहने की प्रेरणा मिलती है। हम घरों में सफाई करते हैं, अपने मोहल्लों में सफाई करते हैं, यही जैसे हम अपने घरों में सफाई रखते हैं, उसके लिए हमें ये भी चाहिए कि हम अपने मोहल्लों में, अपनी सड़कों पे, अपने बाज़ारों में, अपने गांव शहर में, सब जगह सफाई का ध्यान रखें। सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है, जैसे जितनी सफाई होगी उतना ही स्वस्थ रहा जाएगा। जो छोटी छोटी गंदगियाँ होती हैं उनसे बड़ी बड़ी बीमारियाँ बनती हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इस रैली का मेन मकसद यही है कि स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। बारामूला के मुख्तलिफ बाजारों में इंतजाम के जरिए अचानक चेकिंग की गई। बारामूला पुलिस और AD फूड सप्लाईज के ऑर्डर्स पर ये चेकिंग मुहिम चलाई गई। SHO नवीन अहमद ने मुतालिक महकमे के अफसरान समेत बारामूला के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया। चेकिंग का मकसद खाने की क्वालिटी और उनकी सही कीमत का जायजा लेना था। वहीं इस दौरान जांच टीम ने मुख्तलिफ दुकानदारों पर 11,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इन पर रूल्स के खिलाफ फर्जी करने का इल्जाम भी लगा है। अफसरान ने सभी लोगों से ताबून की अपील की। जो रेट्स हैं उन्हीं पर वो करेंगे। जहां पर भी हमें लग रहा है कि वायलेशन हो रही है, वहां पर हमारी जो एनफोर्समेंट नॉर्थ कश्मीर की जो स्क्वाड है, फ्लाइंग स्क्वाड है, जिसके हमारे हेड होते हैं एनफोर्समेंट जो होते हैं, तो हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। उस जो भी वायलेशन करता है गवर्नमेंट रेट्स का, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं, या तो हम उसको ऑन स्पॉट चालान देते हैं या तो हम उनको एफआईआर भी दे सकते हैं। देखिए, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी आपकी मदद से एक बार और बोलना चाहता हूँ लोगों से कि जहाँ पर भी उनको लगेगा कि वायलेशन हो रही है, वो लोग आगे नहीं आ रहे हैं ना, कॉपरेट नहीं कर रहे हैं हमारे साथ। अगर लोग आएंगे, ये तो कोई बात ही नहीं है कि राइट्स जो नोटिफाइड होती है ये इम्प्लीमेंट करने में तो हमको कोई टाइम ही नहीं लगता है, लेकिन वो कॉपरेट ही नहीं कर रहे हैं हमारे साथ। आज देखिए, आज जो मार्केट का हमने यहाँ पर नियर अबाउट हमने 11,400 रुपया जो हमने जुर्माना यहाँ पर वसूल किया है, जो भी यहाँ पर वायलेशन कर रहे थे
या वो बुचर की बात करेंगे, वो 650 के करीब गोश्त शुरू कर रहे थे, अभी दे रहे थे, तो हमें उनको ऑन स्पॉट हमारे इसमें जो सरोजिन हमारे थे यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो प्रोविजन यहाँ पर है वो प्रोविजन पर वो कर रहे हैं, उनके निगरानी में हम वो भी हमारे साथ थे। तो आज हमने 11,400 रुपये यहाँ पर जो कई बेकरी कारखानों पे भी गए आप? यहाँ पर भी हमने देखा अनहाइजीनिक या रेट्स का वहाँ पर भी वायलेशन हो रहा है, तो उनको भी हमने जुर्माना लगाया। तो पुंछ में ठेकेदार संघ ने अपने बिलों को ऑनलाइन पोस्ट नहीं किए जाने की मुखालिफत की है और एलजी इंतजामिया से उनके बिलों की अदायगी करने के लिए कुछ अहम कदम उठाने की मांग की है। उनका कहना है कि पिछले 2 दिनों से ऑनलाइन साइट को बंद कर रखा है, जिसकी वजह से वो बहुत नुकसान उठा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और हमारी बात सुनी आपने और सरकार तक पहुँचाई। बात यह है कि गवर्नमेंट ने हमने बहुत धोखे में रखा है। 29 तारीख को इन्होंने 1 बजे जो है वो नेट बंद कर दिया था। सब लोगों के जितने भी काम के बिल हैं, कुछ का 10 लाख का, किसी का 2 लाख का, छोटे जितने बिल हैं, जितना भी ठेकेदार स्टेशन है वो इस टाइम जो है वो यहाँ पर खड़े हैं, हमारा कोई बिल जो है वो नहीं हुआ है। फिर हम यहाँ से चले गए, आज गवर्नमेंट ने फिर 2 घंटे के लिए नेट खोला 31 तारीख को, जबकि कल 30 तारीख पूरा दिन बंद रहा, 29 को पूरा दिन बंद रहा, आज का दिन उन्होंने खोला है 2 घंटे दिए, जिसमें नेट पूरा नहीं खोला उन्होंने, और 2 घंटे में 3 बिल जो है वो चढ़े हैं सारे। इसलिए हम जो है हम परेशान लोग हैं, हम एलजी साहब से कहना चाहते हैं कि हमें टाइम दिया जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। याद का हमारा मुद्दा ये है जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें टाइम दिया और हमारी बात सुनने के लिए आप आए। हमारा मुद्दा ये है कि पहले तो हमें साइड पे प्रॉब्लम होती है, जब हम साइड पे काम करते हैं तो लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, साइड पे कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है तो ये डिपार्टमेंट हमें कोई मतलब अकोमोडेट नहीं करता है। हम सारे मामले खुद हल करके यहाँ तक पहुँचते हैं, जब यहाँ पहुँचते हैं तो आगे जो हमारी हालत होती है वो खुदा ही बेहतर जानता है। पहले तो इनने 1 बजे क्या जी, उन्होंने 12 बजे 29 तारीख को नेट बंद कर दिया था। फिर हमें कहा गया जी चलो ठीक है जी, कुछ ना कोई गवर्नमेंट फैसला लेगी, गवर्नमेंट ने फैसला लिया 31 को कि आज 2 घंटे के लिए नेट खोलेंगे। 2 घंटे के लिए नेट क्या खोला, 1 बिल भी नहीं चढ़ा, ये तो हमारे साथ सरासर धोखा है। हमारी मांग यही है कि या तो ये सिस्टम को ठीक करे, अगर सिस्टम ठीक नहीं है तो हमें कह देंगे ठीक है भाई आपकी पेमेंट नहीं होगी तो बात खत्म होगी। ये बार बार हमें ऐसे वो मम्मा दिया जाता है, गुड़ का मम्मा दिया जाता है कि ये आपका खुलेगा नहीं खुलेगा, ये है वो है। इसलिए हमारा आज ये आज़ाद है और गवर्नर एलजी सरकार से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि जो ये गरीब ठेकेदार हैं इनकी पेमेंट जो है बागदार की जाए। चुंटी मुल्ला बांदीपोरा में सोलर लाइट तकसीम को लेकर आवाम ने जिला इंतजामिया पर सवाली निशान खड़े किए हैं। लोगों का कहना है कि जरूरतमंदों के घरों के बजाय ये सोलर लाइट्स खास लोगों को फराहम कराई जा रही है। लोगों ने इस मामले में दूर दराज के इलाके में अंधेरे से बचने के लिए चोटी मुल्ला बांदीपोरा के स्थानीय लोगों ने डिप्टी कमिश्नर से मदाखलत की अपील की है। हम इसलिए जमा हुए हैं कि जो गवर्नमेंट से वीडियो शॉप से सोलर मिले हैं, यहाँ रोडों में लगने चाहिए, वो घरों में नहीं लगने चाहिए। अच्छा, वो लग रहे हैं घरों में, तो जिनके रास्ते में नहीं लगे, किसी जगह में रास्ते में नहीं लगे, लगने चाहिए रास्ते में, लगने चाहिए रास्ते में, घरों में वो नहीं लगने चाहिए। अगर घरों में लगाते हैं तो अगर रास्ते में नहीं लगाते तो गवर्नमेंट वो उनको वापस ले ले, हमें चाहिए रास्ते में, रास्ते में जहाँ से हमें रात को चलना होगा हॉस्पिटल के लिए, जनाब वाला मसाले का चलने का वहाँ लगना चाहिए। जंगली जानवर जहाँ से आते हैं, जहाँ जहाँ यहाँ ये वैसे जंगल का एरिया है तो यहाँ पे रास्तों में ज्यादा जरूरत है, रास्ते में रोड में लगने चाहिए, रोड में ज्यादा जरूरत है क्योंकि कभी कभार शाम को घरों में इसकी जरूरत नहीं है। तो अभी आप क्या कहना चाहते हो डीसी साहब से? हम ये चाहते हैं डीसी साहब से कि इंसाफ नहीं, पानी का काम चल रहा है, पानी का तो इंशाल्लाह 1 महीने में हो जाएगा। हमारे नीचे बस्ती का बिल्कुल रोड रहा ही नहीं है। अच्छा, वो नरेगा की रोड जीरो काम, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ काम हुआ ही नहीं आज तक जनाब वाला। हमारी बस्ती में हमारे कुछ काम नहीं है, हमारे वार्ड में कुछ काम नहीं है, कोई नहीं है, डीसी ने सरपंच ने कोई पंच आए है तो आए नहीं आज तक, आज तक कुछ चीज भी नहीं आई हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे पास कुछ भी नहीं आई। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर इलाके में 2 दिन पहले विस्फोट होने के कुछ घंटे बाद एक जिंदा ग्रेनेड बरामद किया गया, जिसके बाद इलाके में तलाशी मुहिम लगातार चलाई जा रही है। डीआईजी शक्ति पाठक ने बताया कि विस्फोट में एक पुलिस अहलकार जख्मी हो गया, धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज दूर तक सुनाई दी जिससे कई घरों के शीशे टूट गए। इत्तला मिलते ही सीनियर अफसरान मौके पर पहुंचे और जम्मू पठानकोट हाईवे पर अलर्ट जारी कर दिया गया। सिक्योरिटी ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है, डॉग स्क्वाड की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कन्या इलाके में किसने ये लगाया, ब्लास्ट की आवाज आई है, कल सुबह तो ये हाल काफी तेज आवाज थी जो गांव वालों से पता चला है। तो पुलिस पार्टी यहाँ कन्याल पहुंची, हमारी बॉर्डर पुलिस पोस्ट भी पास पे ही है जी। अब क्योंकि ये ब्रिज भी है, वाइटल ब्रिज है, हीरानगर नाला इसके ऊपर बना हुआ है और ये खुला मैदान है, यहाँ ये फील्ड एग्रीकल्चर फील्ड है, यहाँ कनक की वो खेती भी लगी हुई है। तो इसमें क्योंकि शाम का वक्त था तो थोड़ा टाइम लगा लोकेट करने में जो एग्जैक्ट स्पॉट है, तो वो जो स्पॉट पाया गया, गड्ढा पाया गया है, वो गीली मिट्टी होने के कारण वो लगता है कि उसका इम्पैक्ट जो है उसने अब्जॉर्ब कर लिया है, क्योंकि जितना इम्पैक्ट हुआ है जो गांव वाले बता रहे हैं, तो उससे अगर कहीं ब्रिज के पास होता ज़्यादा नुकसान हो जाता। अभी इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया गया सर, क्या किस चीज़ का धमाका हुआ? नहीं, अभी हमारी बीडी स्क्वाड और जो भी उन्होंने मटेरियल है वो किया हुआ है, वो तो बाद में आएगा उसमें। अभी यही है कि जो ब्लास्ट है वो हाई इंटेंसिटी वाला ब्लास्ट ही लग रहा है। सर इसके बाद अलर्ट भी किया गया है? नहीं नहीं, हाईवे वगैरह हमारे वैसे भी अलर्ट रहते हैं, हमने और भी कर दिया। अगर कोई इसने प्लान किया हुआ है तो वो सच में हाईवे से गुजरेगा या जहीं पे भी जो हमारे नाका से, तो उसी के लिए किया हुआ है। और सुबह जो ये पूरा ये एक दो किलोमीटर में जो ये एग्रीकल्चर वाला लैंड है, फील्ड है पूरा, और साथ में ये थोड़ा इलाका वो फॉरेस्टेड भी है, तो वो सुबह उसको भी सर्च किया जाएगा। दिस प्रोग्राम प्रेजेंटेड बाय हमदर्द रुअफ़ज़ा, द ड्रिंक ऑफ इंडिया।